नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ, हमें शुरू से पियानो सीखना है, कोई इजी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कोई हिंदी में इजी नहीं मिल रहा है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से कोई नहीं मुझे बता रहा है, मैं हम लोग कैसे पियानो अब सीखें। अब इसी चीज़ों को मैं देखते हुए और लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, सो काफ़ी राज्यों में लॉकडाउन हो गया है, काफ़ी राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया होने वाली है, सो ऐसे टाइम के लिए मैंने पियानो लेसन्स आपके लिए फ्री में लाया हूँ, जिससे आप पियानो को सीख सकेंगे और अपनी एक नई स्किल डेवलप कर सकेंगे। सो आज है पहला लेक्चर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पहले लेक्चर पे आए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, पहला लेक्चर है। सो पहले अंडरस्टैंडिंग द कीज़ और इसके जो सुर हैं आपको वो समझना पड़ेगा। तो चलिए कैमरा को थोड़ा मेरे एंगल से भी देखते हैं और कीबोर्ड के एंगल से भी देखते हैं। सो देखिए, ये जो सात स्वर हैं, ये जो सात स्वर का आपको एक एक पैनल मिलता है, आप ऐसे समझो ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है कि यहाँ बहुत कठिन चीज़ है। देखिए सीख तो सब जाएंगे, अब इसमें आपको पहले कीबोर्ड को समझना पड़ेगा, कीबोर्ड की बनावट क्या होती है, कीबोर्ड किस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होता है, क्योंकि आप अगर बिल्ड नहीं समझोगे तो आप सोचोगे हाँ जो आदमी इस बटन से बजा रहा है वो इस बटन से नहीं बजा पाएगा। तो पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। देखिए एक, मैं भी स्वर के भी नाम नहीं लूँगा, बहुत इजी ढंग से एक दो तीन गिनती से सिखाऊंगा आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात। आप देखें मैंने सात सुर को दबाया, एक तरीके से ये सात बटनों को मैंने दबाया आपके लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बटनों को दबाया। अब उसके बाद ये वाली जो काली थी ये फिर से यहाँ आ गई, फिर मैंने एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर वही चीज़ रिपीट। ऐसे रिपीट करते हुए ही पूरा कीबोर्ड बनता है, यानी जो सात स्वर यहाँ लग रहे हैं वो सात स्वर यहाँ भी लगेंगे, जो सात स्वर यहाँ लग रहे हैं वो सात स्वर यहाँ लगेंगे। अब आप पूछोगे भाई साहब, भाई अभी भाई, ये अंतर क्या है कि हम यहाँ से बजाएं कि यहाँ से बजाएं कि यहाँ से बजाएं कि यहाँ से बजाएं। अंतर होता है सिर्फ एक चीज़ का, वो है सप्तक। सप्तक है इंग्लिश वालों के लिए भाई, ये स्केल होता है, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इधर से अगर मैं दबाऊंगा तो बहुत मोटी आवाज़ आएगी, देखिए आ रही है ना मोटी आवाज़। अब अगर मैं इधर से दबाता हूँ तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, और वैसे ही मैं इधर आऊँगा तो ये ये ये, तो ये हो रहा है क्या, धीरे धीरे मोटी से पतली की ओर आवाज़ जा रही है, और अगर मैं इधर से इधर इधर करता तो वो क्या होता, पतली से मोटी की ओर। अगर मेरा कैमरा, क्या पता, मुझे पता नहीं है अभी कि ये शायद मिरर वीडियो शूट हो रही हो मेरी, सो मैं बता दे रहा हूँ आपको, राइट हैंड से आप लेफ्ट की ओर जाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो मोटी आवाज आएगी, और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो पतली आवाज आएगी, सिंपल सी बात है। सो सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए एक कीबोर्ड पे आइडियल, देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप देखिए, अगर मैं अपनी चेयर को, इस चेयर को अगर मैं सॉरी अगर मैं इधर कर लूँ, और ठीक है चलिए मैं बजा रहा हूँ कोई गाना, अब मैं इधर पहुँचने मुझे क्या हाथ ऐसे करना पड़ेगा, तो ये देखिए अच्छा लग रहा है हाँ, तो इसलिए हम क्यों, अब इधर बैठे होंगे तो मैं इधर बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर बहुत फ्लो में जाना है लाइक, तो देखिए अटक रही है। अगर मैं यही यहाँ पे होता, सॉरी यार बड़ी आवाज कर रही है, अगर मैं यहाँ पे होता तो क्या होता, आराम से बहुत तेज़ी से मैं पूरे कीबोर्ड को कवर करूँगा। इसलिए मेन मोटू क्या होता है कि हमें बीच में बैठना होता है, बीच में, क्योंकि जो मेन गाने हैं वो बीच से होते हैं, यानी इधर से होते हैं। मैं सप्तक के बारे में आपको डिटेल अभी बता ही दूंगा इसी वीडियो में, मैं देखिए छोटी छोटी चीज़ों की एक लेक्चर नहीं बनाता, मुझे वीडियो नहीं कर, मैं वही बात बार बोलता हूँ, मुझे क्वान्टिटी नहीं मुझे क्वालिटी से मतलब होता है, ठीक है चलिए। सो बीच से हम लोग बजाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बीच से ही देखिए अगर कोई आदमी गा रहा है तो मोटी से कभी कभार देखिए शुरू करता है, या फिर कभी कभार पतली आवाज़ से शुरू करता है, लेकिन वो घूम के आना कहाँ है, बीच पे ही आना है, बीच में ही आएगा ना, मिडिल में। चलिए अब जान लेते हैं ये मोटी आवाज़ को अपने कीबोर्ड के टर्म्स में क्या कहते हैं, और ये पतली आवाज़ को अपने कीबोर्ड्स के टर्म में क्या कहते हैं। सो मोटी आवाज़ को हम कह देंगे खड़ज सप्तक, ध्यान सुनिएगा, मोटी आवाज़ को हम कहेंगे खड़ज सप्तक, खड़ज मोटी आवाज़ हो गई, ठीक है। मोटी से पतली आने की ओर तो कुछ भी नहीं है, ये खड़जी सप्तक आपका इतना मान लीजिए, इतना आपका खड़ज सप्तक होता है, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, इतना आपका खड़ज सप्तक होता है। ये हो गया आपका मध्य सप्तक,
ये हो गया आपका मध्य सप्तक और ये इस साइड का एरिया हो गया आपका तार सप्तक। तो मतलब आपका कीबोर्ड जो होता है वो तीन सप्तकों में बटा होता है, खड़ज, मध्य और तार। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में या फिर इसकी डिफिनेशन ये सब जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस आपसे कभी पूछा भी नहीं जाता है वो। आपको बस एक अंदाज होना चाहिए कि आप अगर किसी को भी समझा रहे हो कि हाँ कि कहाँ पे से बजा रहे हो, भाई तो मैं तार सप्तक पे हूँ, खड़ज पे हूँ, मध्य पे हूँ, कहाँ पे हो, खड़ज और मध्य के बीच में हूँ, मध्य और तार के बीच में हूँ, ठीक है, ये होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड आपका क्या है, सप्तक क्या होता है, सप्तक आज आप समझ लीजिए कीबोर्ड में कि हाँ कीबोर्ड में ये जो सप्तक वाला खेल है, ये जो मोटी पतली आवाज़ का खेल है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, हर एक बटन एक फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। आज आपने कीज़ को समझ लिया है, सप्तक को समझ लिया है, अगली वीडियो में हम समझेंगे सुर क्या होता है, मेन जो क्राइटेरिया है, बहुत बड़ी चीज़ लोगों को लगती है, लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे सुर ज्ञान सुर ज्ञान सुर ज्ञान, कुछ भी नहीं है, बता दूंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी सुर ज्ञान के ऊपर, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, वरना जो दूसरा लेक्चर आएगा सुर का उसमें आप समझ जाएंगे, वो कीबोर्ड के हिसाब से मैं बताऊंगा काफ़ी अच्छे से आसान भाषा में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो धन्यवाद। आप कुछ नया सीखें इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन को एक बेनिफिशियल रूप में देखें, क्योंकि जिस पैंडेमिक से अभी हम जूझ रहे हैं उस पैंडेमिक में मतलब कि काफ़ी हमें अपने लिए अपने को निखारना ही है, अपने को कभी भी ऐसा नहीं फील कराना है कि हर चीज़ बंद है, नहीं दोस्तों, रिसोर्सेज आर ऑलवेज ऑन। सो आगे भी मैं ऐसे लेक्चर लाता रहूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।